हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपने गूगल अकाउंट का पासवर्ड या पिन चेंज करना चाहते हो तो कैसे चेंज करोगे। इसके साथ साथ ये भी बताने वाला हूं कि अगर आप अपने गूगल अकाउंट का पासवर्ड भूल गए हो जिसके कारण से गूगल अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पा रहे हो तो कैसे लॉगिन करोगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं, जिसको देखने के बाद आसानी से आप अपने गूगल अकाउंट में लॉगिन कर पाओगे और पासवर्ड और पिन चेंज कर पाओगे। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नए नए अपडेट इस चैनल पर मिलता रहता है। चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे गूगल अकाउंट का पासवर्ड और पिन कैसे चेंज करते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे गूगल अकाउंट का पासवर्ड भूल जाने से गूगल एप्लीकेशन में लॉगिन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल में गूगल एप्लीकेशन ओपन कर लिया हूँ। ओपन करके मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा किस प्रकार से पासवर्ड और पिन चेंज करते हैं। तो मैं यहाँ पे गूगल एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पिन मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे 4 डिजिट का मैं अपना पिन डाल देता हूँ। डालने के बाद ये सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है। तो आप होम स्क्रीन पर आ जाते हो तो सबसे पहले आपको अपने जीमेल आईडी के लोगो के ऊपर क्लिक करनी है, और उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर में राइट साइड में सेटिंग का लोगो दिखेगा, तो इसके ऊपर क्लिक करनी है। और यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे चेंज पासवर्ड ऑप्शन में क्लिक करनी है पासवर्ड चेंज करने के लिए, और यहाँ पे आपको न्यू पासवर्ड देनी है। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी है कि आपको 8 से लेकर 30 करेक्टर तक के अंदर आपको यहाँ पासवर्ड देनी है। 8 संख्या के नीचे आपको पासवर्ड नहीं देनी है, आपको 8 के ऊपर ही देनी है। और पासवर्ड में आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और यहाँ पे वर्ड एंड यहाँ पे संख्या सभी मिला कर देनी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देख पा रहे, इस तरह का आपको लिखनी है वर्ड एंड यहाँ पे @, ये सारे आपको मिला देनी है जिससे ये पासवर्ड अच्छा से बने। और यहाँ फिर से आपको इसी पासवर्ड को आपको यहाँ पर कन्फर्म करनी है। तो मैं यहाँ पर अपना फिर से वही लिख देता हूँ। आप चाहे तो अपना पासवर्ड देख भी सकते हो, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको दिखाता हूँ। देने के बाद आपको यहाँ पे सेंड OTP पर क्लिक करनी है। जैसे आप सेंड OTP पर क्लिक करोगे तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है गूगल एप्लीकेशन में, उस पर एक OTP आएगा, तो उसको आपको यहाँ फिलअप करनी है। देने के बाद अपडेट वाले पासवर्ड पर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे अपडेट पासवर्ड पर, तो ये जो है आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ मेरा जो OTP है वो आया है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो जैसे ही गाइस अपने मैसेज बॉक्स से OTP लेकर यहाँ पे देते हो, और आपको यहाँ पे 30 सेकंड के अंदर आपको OTP लेनी है, यहाँ पे देख पा रहे हैं सेकंड चलता रहता है। और देने के बाद आपको यहाँ पे अपडेट पासवर्ड पर जैसे क्लिक करते हो तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाता है। तो मैं फिलहाल में अपना पासवर्ड चेंज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे अपना OTP नहीं दूंगा और पासवर्ड मेरा जो है वही रहेगा। और मैं बैक में आता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से अपना गूगल अकाउंट का पिन चेंज करते हैं। तो पिन चेंज करने के लिए यहाँ पर चेंज पासवर्ड के नीचे ही आपको चेंज पिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इसके ऊपर क्लिक करनी है। और यहाँ पे आपको जो भी आप नया पिन देना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे 4 5 6 8 फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, और ये देने के बाद जो है आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करने लगेगा। तो आपको यहाँ पे कन्फर्म वाले ऑप्शन पर मात्र क्लिक करनी है। जैसे आप क्लिक करोगे 30 सेकंड के अंदर में, तो 4 संख्या का जो पिन आपने सेट किया है वो कन्फर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से आसानी से अपना OTP चेंज कर सकते हो। तो गाइस, ये जो 2 तरीका है आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से पासवर्ड और पिन चेंज करते हैं। अब गाइस जान लेते हैं किस प्रकार से अपना गूगल अकाउंट का पासवर्ड भूल जाने से कैसे गूगल अकाउंट में लॉगिन करते हैं। तो चलिए गाइस, आपको गूगल के वेबसाइट पर लेके चलते हैं और आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर या गूगल ब्राउजर को ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में सर्च करनी है gooroo.com। gooroo.com जैसे आप सर्च करते हो तो यहाँ पे आपको gooroo.in का जो वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद गूगल का जो वेबसाइट है ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, आपको राइट साइड में सबसे ऊपर में 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इसके ऊपर क्लिक करनी है। और यहाँ पर अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइट में कर लेनी है।
डेस्कटॉप साइट में कर लेने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन एंड रजिस्टर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा राइट साइड में सबसे ऊपर में। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करनी है लॉगिन एंड रजिस्टर वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ पे आपको योर मेल एड्रेस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको जिस मेल आईडी से आप गुरु अकाउंट बनाए हो उस मेल आईडी को यहाँ देनी है। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक मेल आईडी अपना दे देता हूँ। मेल आईडी देने के बाद आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन क्लिक करनी है। जैसे आप कंटिन्यू वाला ऑप्शन क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो आप तो पासवर्ड भूल गए हो जिससे आप गुरु अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पा रहे हो। तो अब क्या करनी है, यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड वाला ऑप्शन क्लिक करनी है। जैसे आप फॉरगॉट पासवर्ड वाला क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेंड ओटीपी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर क्लिक करनी है। तो आपके मोबाइल नंबर पर जिस मेल आईडी से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, इस मेल आईडी से जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर आपको एक ओटीपी आएगा। तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पे देनी है। देने के बाद आपको यहाँ पे चेंज पासवर्ड वाला उसमें क्लिक करनी है। तो जो आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। जैसे आपका पासवर्ड चेंज हो जाता है तो आप आसानी से गुरु एप्लीकेशन में लॉगिन फिर से कर सकते हो नए पासवर्ड के साथ। तो इस प्रकार से गुरु अकाउंट का पासवर्ड भूल जाने के बाद आसानी से अपना फॉरगॉट पासवर्ड के द्वारा अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो और नया पासवर्ड सेट कर सकते हो और आसानी से गुरु एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हो। तो आई होप कि फ्रेंड्स इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से अपना पासवर्ड चेंज करते हैं, पिन चेंज करते हैं और पासवर्ड भूल जाने के बाद आसानी से गुरु एप्लीकेशन में कैसे लॉगिन कर सकते हैं। तो गाइस अगर अभी कोई कन्फ्यूजन और क्वेश्चन है किस प्रकार से गुरु अकाउंट में पासवर्ड भूल जाने के बाद लॉगिन करें या पिन चेंज करें या पासवर्ड चेंज करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और ऐसे ट्रस्टेड नॉलेज वीडियो के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस में अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर फॉलो कर लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नए नए अपडेट वहाँ पर मैं देता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक लिए टेक केयर। जय हिंद।